Acumen! तो मैंने अपने डिस्कॉर्ड में एक पोल रखा था जहाँ पे मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे लिए वन पीस का एपिक मूवमेंट कौन सा है, और फिर तुम लोगों ने अपना एपिक मूवमेंट वोट किया था और उसी के हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाया है। सो या वेलकम टू टॉप 10 एपिक मूवमेंट्स ऑफ वन पीस। तो यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लॉ कट्स पंकजार्ड इन हाफ। अब यार इस सीन में वर्गो और लॉ का फाइट होता है जहाँ पे वर्गो अपने पूरे बॉडी को हाकी से कवर कर लेता है ताकि लॉ का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम ना करे, बट समहाउ लॉ उसको एक ही ब्लो में काट देता है और इस प्रोसेस में पूरा पंकजार्ड भी कट जाता है। यहाँ पे लॉ ये साबित कर देता है कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है और उससे कोई ऐसे ही पंगा नहीं ले सकता। इस सीन को मिले हैं टोटल 4 वोट्स और ये नंबर 10 पे आता है। मो तारे मो हिकी काएसे ने। नंबर 9, राइजो इज सेफ। अब यार ज़ोउ आइलैंड आर्क में जैक मिंक से ये बोलता है कि चुपचाप राइजो को हमारे हवाले कर दो, और यार इसके रिप्लाई में मिंक्स ये बताते हैं कि राइजो नाम का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है और अगर वो लोग चाहे तो उसे वो लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, बट जैक उन पर अटैक कर देता है। और यार ये जो फाइट रहता है वो लगभग 5 दिन तक चला था और 5वें दिन जैक उन पर एक पॉइजनस वेपन का यूज़ करता है जिसके बाद मिंक्स वो फाइट हार जाते हैं और फिर ऑफ कोर्स जैक उनको बहुत तड़पाता है, मतलब इनोरासी और नेकोनामुसी का वो लोग पैर और हाथ तक काट देते हैं। इन सब के बाद वहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स आते हैं और उनके साथ कांजीरो मोमोनोस्के और कियन मोन भी आता है और वो लोग भी वहाँ पर राइजो को ही ढूंढने आए थे। तो मतलब तुम लोग सोचो क्या सिचुएशन हुआ होगा वहाँ पर। स्ट्रॉ हैट्स उनको रोकते हैं कि यार राइजो का नाम मत लेना और राइजो के बारे में तो पूछना ही मत, बट कियन मोन जाकर उनसे पूछता है कि राइजो कहाँ पर है, जिसके रिप्लाई में मिंक ये बोलते हैं राइजो इज सेफ। ओ भाई, मतलब ये जो सीन था ना, इसको देखने के बाद ऑडियंस के मुंह से झाग निकल गया था। मतलब यार ये सीन सही में एपिक था। इस सीन को मिले हैं टोटल 6 वोट्स और इसीलिए ये नंबर 9 पे अपना जगह बनाता है। नंबर 8, लूफी नॉक्स आउट 50,000 फिशमैन। वैसे तो सारे कॉन्करर हाकी वाले मूवमेंट एपिक ही होते हैं, बट ये वाला कुछ ज़्यादा स्पेशल है। तो यार इस सीन में हमारे स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर टोटल 100,000 लोग अटैक कर देते हैं, 100,000 फिशमैन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारे स्ट्रॉ हैट्स के एक एक मेंबर को 10,000 लोगों को हराना पड़ेगा उनसे निपटने के लिए। बट यहाँ पर लूफी आता है और अपना कॉन्करर हाकी से वो पूरे 50,000 लोगों को सीधा नॉकआउट कर देता है। और यार सच बताऊँ तो यार जब मैं ये सीन देख रहा था तो यार मैं अंदर से चिल्ला रहा था कि यार लूफी यूज़ कर वो कॉन्करर हाकी, यार यूज़ कर। और जब वो यूज़ किया, मेरा भाई जो मुझे मज़ा आया ना वो सीन में, वो मैं बता नहीं सकता। इस सीन को मिले हैं टोटल 7 वोट्स और ऑफ कोर्स ये सीन मज़ेदार था। नंबर 7, ज़ोरो कट्स पीका इन हाफ। वैसे तो ड्रेस रोजा में ज़ोरो पूरा टाइम खो ही गया था, पर जब बात आती है फाइट के बारे में तब यार ज़ोरो पीछे नहीं रह सकता।
अब यार इस सीन में पीका अटैक करने वाला होता है किंग और वो उसके आर्मी के ऊपर, और दूसरी तरफ ज़ोरो ये अपना प्लान बताता है कि उसको बस किसी तरह वहाँ पे भेज दो और वो सब चीज़ संभाल लेगा। और यार ये बंदा लिटरली उसको फेंक ही देता है वहाँ पे। और यहाँ पे ज़ोरो उड़ता हुआ जाता है और पीका को एक ही ब्लो में बीच से ही काट देता है, और वहाँ पे जो भी लोग ये सब देख रहे थे उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अब पीका अपना ट्रू फॉर्म रिवील कर देता है और ज़ोरो उसको बड़े ही आसानी से हरा देता है। इस सीन को मिले हैं टोटल 8 वोट्स, और यार 8 वोट्स को देख के लग रहा है कि आप लोग ये सीन को बहुत ही इंजॉय किए होंगे। रिमाइंडिंग डैट मेरे डिस्कॉर्ड में बस 65 ही मेंबर्स है, तो यार 8 वोट्स भी काफ़ी है। नंबर 6, चैलेंजिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यार अभी मामला थोड़ा पर्सनल है क्योंकि यहाँ पे हमारे स्ट्रॉ हैट्स की निको रॉबिन को CP9 कैप्चर कर लेती है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट असासिन्स में से एक है, जिसके बाद लूफी अटैक कर देता है एनिस लॉबी में। इस सीन में हमारे स्ट्रॉ हैट्स एक ही फ्रेम में और दूसरे तरफ CP9 और उनका लीडर स्पैनडैम है। यहाँ पे स्पैनडैम उन्हें बताता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट है। जिसके रिस्पॉन्स में लूफी स्नाइपर किंग को बोलता है कि वो फ्लैग उड़ा दो, और यहाँ पे स्नाइपर किंग पूरा फ्लैग जला देता है। इस सीन में हमें ये साफ दिखता है कि लूफी अपने क्रू मेंबर के लिए किसी से भी भिड़ जाएगा। 9 वोट्स के साथ ये सीन नंबर 6 पे आता है। वैसे तो मरीन फोर्ट आर्क में काफी सारे आइकॉनिक मूवमेंट्स थे, पर इस वाली की तो यार बात ही अलग है। यहाँ पे लूफी एस को बचाने के लिए एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म तक जाने की कोशिश करता है, पर उसके सामने रहते हैं 3 एडमिरल्स। उसे पता है कि वो इनको नहीं हरा सकता, पर अब वो इतना आगे आ चुका है कि वो पीछे नहीं हट सकता। ये कुछ उन सीन्स में से एक है जहाँ पे एनिमे मांगा को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया था। स्टैंडिंग अगेंस्ट द 3 एडमिरल्स, ये कोई आम बात नहीं है। इस सीन को मिले टोटल 10 वोट्स और ये नंबर 5 पे आता है। वॉक टू आर्लॉन्ग पार्क। तो यार ये सीन अभी भी काफ़ी फेमस है। उस वक्त क्रू में सिर्फ 4 ही मेंबर्स थे, पर ये पहली बार था जब वो लोग साथ में काम करते हैं। इस सीन में नामी लूफी से हेल्प मांगती है और लूफी अपना हैट नामी को देता है और सीधा ऑर्डर करता है कि चलो आर्लॉन्ग की बैंड बजाते हैं। और ये जो एपिक वॉक था, ये एक तरह से हमारे लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए था कि फाइनली अब आर्लॉन्ग पिटने वाला है। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था जहाँ पे साइड कैरेक्टर्स जॉनी और योसाकू विलेजर्स को बताते हैं कि फिलहाल अभी सिर्फ यही 4 लोग हैं जो कि तुम्हारे विलेज को बचा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये वो पार्ट रहता है जहाँ से उन्हें वन पीस का एपिकनेस समझ में आता है। ये सीन नंबर 4 पे आता है और इसको मिले हैं 10 वोट्स। तो यार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन पीस वर्ल्ड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स गॉड टाइप के लोग रहते हैं, जो लोग आम लोगों को बिल्कुल कचड़ा समझते हैं। तो यार यहाँ पे लोग फिशमैन को काफी हेट करते हैं, और जैसे ही ये पता चलता है कि हाची भी एक फिशमैन है, तो यहाँ पे सेंट चार्लोस उसे शूट कर देता है अपनी गन से। अब क्योंकि ये सब लूफी के सामने होता है, तो वो सीधा चार्लोस के तरफ बढ़ने लगता है, पर हाची उसको रोकता है और बताता है कि वो ये डिजर्व करता है, तो उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सीधा चार्लोस को मुंह में एक पंच मारता है। और यार ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके लिए फैंस काफी देर से वेट कर रहे थे, और लूफी जो पंच मारा वो काफी सेटिस्फाइंग था। इस सीन को मिला टोटल 12 वोट्स और ये नंबर 3 पे अपना जगह बनाता है। No.
ない。 तो यार मरीन फोर्ड आर्क का एक और मूवमेंट, वैसे तो इस मूवमेंट को इस लिस्ट में होना ही था। तो यार वार ऑफ द बेस्ट में सैंक्स आता है और वार को रुकवाता है, और ये चीज काफी एपिक है क्योंकि ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। सैंक्स कहता है वो यहाँ पे वार रुकवाने आया है और अगर अभी भी किसी को लड़ना है तो आ जाओ, जिसके बाद ऑफ कोर्स कौन लड़ना चाहेगा। यहाँ पे फ्लीट एडमिरल सेन गोकू भी ये मान लेता है कि हाँ अब वो लोग तो जीत ही चुके हैं और अब कोई फायदा नहीं है आगे खून खराबा करके, और अब फाइनली ये वार खत्म हो जाती है। और अगर सोचा जाए तो सैंक्स अगर यहाँ पे नहीं आता तो शायद लूफी जिंदा बच के नहीं जा पाता और बहुत से लोग मारे भी जाते। इस सीन को मिले हैं टोटल 14 वोट्स, जो कि यार सही में इम्प्रेसिव है। खैर ये नंबर 2 पे है। मादा अबारे थरी नाई यस गा इरु नो नारा। कोई ओरे ताची गा आइते ओ शिते यारु। नंबर 1 पे है यार ज़ोरो सैक्रिफाइस। ओदो काशी यागत्ते ओए आनो शिबुकाई दोको नी। गेको मोरिया और उसके आर्मी को हराने की वजह से सारे स्ट्रॉ हैट्स काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और लूफी अनकॉन्सियस रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और वारलॉर्ड आ जाता है, जिसके बाद वो लोग अपना पूरा ट्राई करते हैं पर उसको नहीं हरा पाते हैं, जिसके बाद ज़ोरो अपने घुटनों पर आता है और अपने कैप्टन और अपने क्रू के लिए वो अपना जान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि लूफी को जाने दो, उसके बदले वो अपना जान दे देगा। ये सब देखकर कुमा ज़ोरो को एक और चांस देता है और वो लूफी का सारा पेन एक बबल में ट्रांसफर करता है और ज़ोरो को कहता है कि तुम्हें ये सारा दर्द लेना होगा और शायद तुम ये सरवाइव ना कर पाओ। पर ज़ोरो किसी तरह इस चीज़ को सरवाइव कर लेता है और जब सांजी उसको बाद में ढूंढता है और देखता है कि वो पूरी तरह से खून में लपटा हुआ है, तब सांजी उससे कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। Nothing happened. मतलब यार कोई बंदा कितना ज़्यादा बैडेस हो सकता है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। यार इस मोमेंट का एपिकनेस और बढ़ जाता है जब तुम्हें ये पता चलेगा कि लूफी को अब तक इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो यार तुम लोगों ने इस मोमेंट को टोटल 17 वोट्स दिए हैं, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे आता है। तो यार कमेंट से बताओ कि तुम्हें ये वोटिंग वाला सिस्टम कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है लाइक करना है, शेयर करना है अपने वन पीस दोस्तों के साथ। और यार जो लोग नए आए हैं वो लोग जाकर मेरे पुरानी वीडियोस देखो और तुम्हें बताओ तुम्हें कैसी लगती है। पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब कर देना, तुम्हें ऐसी वन पीस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हाँ अब मुझे भी जाना होगा क्योंकि यार लाइफ में ऐसा ही होता है, जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। तो मैं भी जाता हूँ, तुमसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।